आज के मैच की कहानी, सामना एसी ईस्ट बंगाल का चेन्नई एनएफसी से तिलक मैदान वास्को में। शुरुआती चांसेस भले ही बनाए एसी ईस्ट बंगाल ने, लेकिन बेहतरीन तरह से काउंटर अटैक पे बढ़त ली चेन्नई एनएफसी ने। छंकटे का तेज तरह रन और उतनी ही बेहतरीन फिनिश, सीजन में इस सीजन में उनका पहला गोल। वाकई रमन, शुरुआत क्षणों में एसी ईस्ट बंगाल का थोड़ा दबदबा भारी रहा, पहला गोल दागा चेन्नई एनएफसी में, लेकिन फिर ये जो मौका मिला उसको रफीक कन्वर्ट नहीं कर पाए। तारीफ करनी होगी वहां पे दीपक तंगरी की, उन्होंने बचा लिया। लेकिन इक्वलाइजर मिला मैटी स्टीनमैन के इस हेडर की वजह से, जबरदस्त फिनिश, असिस्ट बन गया विकास जयरू का। मौके दोनों तरफ बनते गए और फिर रहीम अली का ये शानदार गोल, जिसके चलते फिर एक बार बढ़त लेगी चेन्नई सिटी ने। चेन्नई एनएफसी ने बढ़त तो ली, लेकिन उसके बाद फिर मैटी स्टीनमैन मौजूद थे, कॉर्नर पर मौका बना, डिफ्लेक्टेड बॉल आई इनकी तरफ, गोल दागा और बराबरी दिलाई एसी ईस्ट बंगाल को। अंतिम क्षणों में एक चांस जरूर बना, लेकिन मिस कर गए जाकूब सिल्वेस्ट्रो।